भैंसें देखी अभी धूप का एंजॉय कर रही हैं पूरा, वो वहाँ पे बैठी हुई है आराम से। हालांकि इसको थोड़ी सी छांव है यहाँ पे, और अभी हम जाएंगे गेहूं बीजने के लिए, तो वो हैं हमारे बैल वहाँ पे ऊपर। तो आज हम करेंगे गेहूं बीजने का काम। और ये है देखिए, ये इसको हम कहते हैं छिक्की, हाँ छिक्की कहते हैं इसको। ये है हमारे बैलों के लिए, और ये है हमारे बैल यहाँ पे। तो ये दो हैं, एक एक इनके मुंह पे ये बांध दी जाएंगी। ये देखिए, ये हमने इसको ये बांध दी जो है, और ये इसको भी बांध दी। ये इसलिए बांधी जाती है ताकि जब हम इनको हल जोतेंगे इनके साथ, तो ये इधर उधर ताकि झांकना करे घास के लिए। तो अब देखिए आप, यहाँ पे ये है गेहूं की बिजाई का काम चला हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे हल जोता जा रहा है इस खेत में। और ये मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ से जो नीचे वाली तरफ आप देख रहे हैं, ये भी अपने ही खेत है यहाँ पे, और कुछ खेत है यहाँ से ऊपर वाली तरफ को। और मेरे बैल इतने बदतमीज़ हैं कि मुझे यहीं पे खड़ा रहना पड़ेगा, नहीं तो ये यहाँ से उतर जाएंगे नीचे, यहाँ पे नीचे दूसरे वाले खेत में, या तो ये यहाँ से ऊपर चढ़ जाएंगे दूसरे वाले खेत में, इस वाले खेत का काम अधूरा छोड़कर। आया इस वाले खेत में हमने गेहूं बीजी, और ये एक साथ वाला खेत है यहाँ ऊपर वाली तरफ को, और दो खेत है यहाँ पे नीचे वाली तरफ को, और ये एक खेत है वहाँ पे उस वाली तरफ को। तो अभी हमने इनमें हल चलाया हुआ है और गेहूं का बीज लगा दिया हुआ है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे देखिए, हल लगाने के बाद कुछ ऐसे बड़े बड़े, ये भिक्के बोलते हैं हम इनको, ये जो मिट्टी के बड़े बड़े ढेल हैं, ये हल के साथ निकलते हैं। और अब हम इनको तोड़ेंगे। ये एक स्पेशल औजार बनाया होता है ये, देखिए यहाँ पे ये लकड़ी का बनाया हुआ है। एक मिस्त्री जो होते हैं वो इसको बनाते हैं पूरा छिल के, जो लकड़ी होती है उसको। और ये बांस का यहाँ पे इसको हैंडल लगाया होता है। तो इसको इसको बोलते हैं भरोटा, हमारी यहाँ पे जो हमारी लोकल लैंग्वेज लैंग्वेज है उसमें बोलते हैं भरोटा इसको। देखिए आप, ये भरोटा। और इसके साथ अब जो बड़े बड़े मिट्टी के ढेले हैं उनको कुछ इस ढंग से ऐसे करके, और सारे खेत में ऐसे ही तोड़े जाएंगे। और जो वहाँ पे आप देख रहे हैं जो कुदाल है उसके साथ भी तोड़ेंगे इनको। और जो साइड वाली थोड़ी थोड़ी जगह बची है जहाँ पे हल नहीं लगा हुआ है, वहाँ पे भी अभी खुदाई की जाएगी। इस तरफ को देखिए आप, कितने बड़े बड़े मिट्टी के ढेर लेना इस तरफ को, और इस तरह से ये तोड़े जा रहे हैं। और मेरे वाला जो औजार है ना कुदाल, वो है यहाँ पे। और इस तरफ को देखिए आप, खेत में बिल्कुल भी नहीं है ना, वो वहाँ पे भरोटा पड़ा हुआ है जो मैंने बताया था आपको पहले। तो अभी सारा खेत हम इस तरह से ही करेंगे इसको यहाँ पे, ये देखिए इस तरफ को, और ये खेत वहाँ पे, और ये वहाँ पे नीचे। तो अब गेहूं बीजने के बाद मैं, ये देखिए आप, ये इसको कहते हैं मई, मई देने का काम चला हुआ है इधर। और यार इस मई की दिक्कत है भाई कि इसमें ना, यहाँ पे पीछे देखो, यहाँ पे वहाँ पे जो पत्थर रखा है यहाँ पे हैंडल होता था, और वो हैंडल टूट गया हुआ है। और ये जो मई है, ये हमारे आदरणीय श्री मामा श्री हैं एक, उनका ही है, तो ये टूट गया यार सारा। अब क्या करें, अब करना पड़ेगा इससे। ये देखिए आप, चलो करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे इसको, यहाँ पे एक लकड़ी लगाई होती थी यहाँ पे, और वो भी नहीं है इसमें। और यहाँ पे मैंने इसको एक घास की जो बेल होती है, बेल के साथ बांध दिया इसको, नहीं तो ये दोनों एक इधर उधर हो रही थी बिल्कुल। और अब देखते हैं भाई, गेहूँ बीजने के बाद ना जो खेत होता है उसको थोड़ा प्लेन करने के लिए ये किया जाता है यहाँ पे ऐसे। तो एक्चुअली हमारे पास है ऐसा औजार जो है, पर वो यहाँ से काफ़ी दूर था। और ये देखिए पहाड़ों पर उस तरफ अभी धूप जा रही है, बिल्कुल ख़त्म हो रही है, मतलब कि दिन ढल रहा है, और उस तरफ को ढल रहा है दिन उस तरफ को। और अभी तो आपको दे देखिए आप, इन पहाड़ों पे बिल्कुल धूप नहीं है अभी, उस तरफ वहाँ से आ रही है थोड़ी, यहाँ और उस तरफ को। तो बस भैया आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।